पर एंट्री करोगे, और जिनकी भी उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि मेरे दादाजी हैं या मेरी दादी जी हैं या फादर हैं, मैं उन कोई भी परिवार के सदस्य हैं, इनको ये प्रॉब्लम है, आप उनसे बात करो, उनको बताओ कि सर हमारे पास जो है, आप एक बात और बताई थी उन्होंने, वो बीच में मुझे याद आ रहा है, बताया था ये जेब में रखो, उन्होंने ये बताया था कि ये अपने पास रखो हमेशा, जब तुम जब हमारे पास इतनी बड़ी पावर है गैरेंट वर्मा की, हमारी कंपनी की इतनी अच्छी सोच है कि उसने जो चीज़ का वो काम करे, जिस चीज़ का वो काम नहीं करे वो हमारे हाथ में दे दी, अब 50 कंपनियाँ उठा कर वो जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, जिस चीज़ को वो मार्केट में दे रही है, वो चीज़ ही नहीं है, मतलब अपना फार्मूला ही नहीं उनके पास, फार्मूला ही उनके पास दिखाने के लिए, अपने पास तो अपना फार्मूला है कि हम क्या चीज़ आपको दे रहे हैं, सामने रख के दिखा दो सर हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, और इसको दुनिया भर में कहीं भी वो सर्च करेगा वहाँ पर ये नंबर वन में ही आएगी, तो ये आप अपने पास रखो, तो कंज्यूमर के जब आप जाओगे हेल्थ से रिलेटेड बात करोगे तो उनको बताओ कि मेरे पास सर ऐसा एक सॉल्यूशन है जो आप के शरीर से ये इसका कुछ ऐसा नाम दो जिससे कि वो आकर्षित होंगे, तो आप बताओ उनको कि ये ऐसा जो भी आपके समझ में आता है ऐसी चीज़ है, ऐसा फल है, ये आपके शरीर से ऐसे ऐसे दूसरे निकाल के और आपके ऑर्गन्स की बैलेंसिंग करेगा और आपको स्वस्थ होने में मदद करेगा, उनकी जो दवा चलनी चल रही है तो धीरे धीरे खाने दो, अब आप हेल्थ के नज़रिए से या हेल्थ के बुलावे से आप उनके घर में गए तो आपको सिर्फ उनको प्रोडक्ट दे के निकल नहीं आना है, आपको वहाँ पर बनना है एंकर, ई फॉर्मूला ये हो गया ई आर, इसमें एक वर्ड की मीनिंग ये आ गई हेल्थ, एक आ गई एंकर, एंकर होता है ना वो जो पानी के जहाज को रोकने के लिए वो लंगर डाला जाता है, लंगर बनना है वो नीचे जाके कहीं फंस जाता है और वो पूरे के पूरे जहाज रोक लेता है, रोके रहता है इतने बड़े वो, तो आपको वहाँ जाके सिर्फ दादाजी को बता के ही चले आना है, लंगर डाल देना वहाँ, आपको एंकर बनना है, एंकर कैसे बनोगे कि आपके पास जो हथियार है वो प्रिवेंशन के तौर पर यूज होता है, तो ये चीज भैया प्रिवेंशन काम करता ही करता है, ये प्रिवेंशन में भी काम करता है, तो रोग होने नहीं देगा, आप वहाँ पर जब उनके दादाजी को हेल्थ के बारे में बता रहे थे तो वहाँ थोड़ा सा इस तरीके से बात करो जैसे आप भी फैमिली मेम्बर हो कि भाई हाँ दादाजी मैं समझ रहा हूँ आपको क्या परेशानी होती होगी इससे, थोड़ा सा इमोशनली बात करो, ज़्यादा भी इमोशनल नहीं होना है जो मतलब ओवर एक्टिंग लगे, थोड़ा सा इमोशनल होकर बात करना है और उनको सब देने के बाद बताने के बाद समझाने के बाद प्रोडक्ट लें ना लें, लेकिन जो भी आपने बात करी उसके बाद एंकर बनने से मतलब ये है कि उनके जो और बेटा बेटी हैं उनको नहीं छोड़ के चले आना है, उनको ये बताना है कि भाई देखो ये जो चीज़ें प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये बीमार हो गए तो क्या आप चाहते हो कि कल को आपकी जैसी इनकी जैसी हालत हो, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, तो उनको भी ये समझाना है कि ये प्रिवेंशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, आप आज स्वस्थ हो अगर इसका एक पेयर भी खाते रहोगे तो आने वाले समय में आप स्वस्थ रहोगे, चाहे कॉफी पीते रहोगे, कॉफी भी पीते रहोगे तो भी आप चाय पीते रहोगे, पेस्ट करते रहोगे, तो उनको ये बता के आपको वहाँ पर एंकर बनना है, प्रोटेक्शन भी नहीं प्रिवेंशन भी है, हाँ प्रिवेंशन भी करता है, ये हेल्थ पे काम करता है तो प्रिवेंशन पे भी काम करता है, सही बात, और आर से मैंने मतलब बताया था कि रीच, जब आप ये सब काम करते हो तो आपकी पहुंच जाती है एक इम्यूनिटी मार्केट पर, और इम्यूनिटी मार्केट बहुत विशाल है, इम्यूनिटी मार्केट इतनी बड़ी है कि जितना चाहो उतना कमा सकते हो, और इम्यूनिटी मार्केट के लिए आपको इन तक पहुंच, रीच मीन्स पहुंच, है ना, यहाँ तक पहुंच बनाने के लिए क्या करना है कि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं अक्सर, ठीक है, उनको समझा दिया दादाजी को, उनके बेटे को समझा दिया, बहू को समझा दिया, और जब बेटे बहू को समझाओगे कि आप भी ये इस्तेमाल कर सकते हो प्रिवेंशन के तौर पर, तो कोई ना कोई उनके माँ बाप या कोई ना कोई आपको सपोर्टर घर में से खा ले बेटा, तेरे को इतनी सारी परेशानी, जुकाम हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो ये भी सपोर्ट मिल जाती है, अब उसके बाद वहाँ बच्चे जरूर होते हैं, तो आपको ये समझा के भी नहीं भग लेना, होम मीटिंग का मतलब यही है कि पूरे घर को समझा के आना है, या पूरे घर के मामले की चीज़ अपने पास ऐसी चीज़ है जो पूरे घर में दी जा सकती है तो उनको बता रहा है, तो वहाँ पर आपको अपनी पहुँच बनानी है उन बच्चों तक भी, वो बच्चे को या तो आपके पास कोको जी का पाउच हो, टेस्ट कराओ बेटे ये खाओ, ये खा के देखो, ये खुद खाओ, उनको माँ बाप को खिलाओ, उनको बताओ कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप बच्चों को ऐसे इस पॉल्यूटेड माहौल से, इस मिलावटी माहौल से बचा सकते हो, ये चीज़ खिला के ये बॉडी से उनके टॉक्सिन निकाल कर उनको स्वस्थ रहने में हेल्प करेगा, ठीक है, तो ये
जो बिजनेस होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे ही आज इस बात को समझ लेंगे तो वो आगे बड़े होके आपके पक्के कंज्यूमर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने सही बताया था। एक और एक बात बताई थी उन्होंने, 10 सेकंड ओपनर, कि ये सब बातें बताने के लिए आपको एक ओपनर बनना पड़ेगा जो 10 सेकंड में सामने वाले का माइंड खोल दे आपसे बात करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, आप बात करना स्टार्ट करोगे यार टाइम नहीं है मेरे को बहुत काम है, इधर तो भाग लेगा, 10 सेकंड में ऐसा कर दो तो वो वहीं रुके। 10 सेकंड में कोई ऐसा उसके सामने बात रखो जिससे कि वो आपके लिए अपने मन का दरवाजा खोल दे और आपको बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो 10 सेकंड ओपनर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, मिटा दो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी गौरी को इधर बोलो, कॉफी बना रही हूँ। ठीक है, 10 सेकंड ओपनर बनने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे अभी आप और हम कहीं मार्केट जाते हैं है ना, तो किसी तरह का कोई भी लेन देन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत जेब से पर्स निकालते हैं या पैसे निकालते हैं। तो आप पैसे निकालने हो तो पहला काम ये करो कि पहले इसे निकाल के रखो, फिर ऐसे करके पैसे निकालो। अब क्या होगा, आदमी उसको देखेगा। हाँ, 10 सेकंड ओपनर की भी एक फॉर्मूला है, अटेंशन। इसका फार्मूला है कि अटेंशन, बिल्कुल अटेंशन, पहला सब लोगों की अटेंशन अपनी तरफ करो जी। पहला फार्मूला है कि अटेंशन पैदा करना, ध्यान आकर्षित करना। ध्यान आकर्षित आप कैसे करोगे, ये आपको ये जेब में रखना है। पेमेंट निकालने से पहले कुछ भी करने से पहले कागज पत्र कुछ भी करने से पहले इसको निकाल के बाहर रख दिया, फिर दूसरा निकाल के चश्मा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक वो 2-4-5-10 सेकंड में उसकी नजर इसमें पड़ेगी, वो पूछ लेगा क्या है, ध्यान आकर्षित हुआ। अब उसका ध्यान आकर्षित होगा तो वो उसमें इंटरेस्ट ले ना ले आपसे ये तो जरूर पूछेगा ये क्या है। यही 10 सेकंड ओपनर बनना है आपको, ये ही 10 सेकंड में उसका, अगर आप उसको कुछ बताने लगोगे तो क्या, चलो टाइम नहीं है बाद में बात करता हूँ, यही आप उससे टाइम निकलवाओगे। कैसे, उसके मन का ताला खोलोगे, मन का ताला कैसे खोलोगे, क्योंकि इसके लिए वहीं पे एक ऐसा शब्द यूज कर लो जो उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाए। तो इंटरेस्ट पैदा होने के लिए क्या करना है आपको, उसका नाम है सर ये डिटॉक्सिफायर है ना, या कुछ ऐसा नाम दे सर ये आइडेंटिटी फायर है। और आप अपने पैसे निकालने लग जाओ, आपको क्या करेगा, ये चुप हो जाएगा, नहीं ये क्या है वो आइडेंटिफायर डिटॉक्सिफायर, उसकी समझ में नहीं आया और नहीं आएगा जल्दी से, आ भी जाएगा तो भी वो सोचेगा कि ऐसा क्या आइडेंटिफायर कैसे कर देगा, खाने चाहिए तो वो क्या करेगा, पेपर पेपर करेगा, नहीं रहने दो सर सही है, अब आवाज करता है इसलिए ठंड आवाज चाहिए नहीं है। अच्छा ठीक है, जब आप उसको बोल दो कि सर ये आइडेंटिटी फायर है, ये डिटॉक्सिफायर है, आप कह के चुप हो जाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, जब आपने उसकी अटेंशन ले ली तो उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। इंटरेस्ट पैदा कब हुआ, इसको निकाल के आपने अटेंशन ले ली, सेकंड आपने इसको बोल दिया डिटॉक्सिफायर है, डिटॉक्सिफायर या बोल दिया आइडेंटिटी फायर। ठीक है, आपने डिटॉक्सिफायर या आइडेंटिटी फायर बोल दिया तो उसका उसमें इंटरेस्ट आ गया है ना, और इंटरेस्ट आ गया आपने जानने की इच्छा जाहिर की तो फिर बताओ इसे बोलेंगे कि आप सर ये एक ऐसा फल है या एक ऐसी औषधि है या एक जड़ी बूटी है कुछ भी जो आपके समझ में आता है, मशरूम है
जिसे खाने से ये शरीर के अंदर जाकर आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ पर ये जो हमारे शरीर के अंदर हवा से पानी से भोजन से दूषित तत्व बैठे हुए हैं जो हमारे अंगों को पूरा उनका काम करने से रुकावट पैदा कर रहे हैं, ये उनको आइडेंटिफाई करता है और शरीर से निकाल के बाहर करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम जो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इतना बताने में क्या होगा, उसके अंदर चाहत पैदा होगी, एक डिजायर आएगा, है ना। तो तीसरी बात उन्होंने कहा थी डिजायर, जब आप ये सारी बात बताओगे तो उसके अंदर एक चाहत आएगी, डिजायर पैदा होगा कि यार ऐसी चीज है तुम में इसको, देखो जो मैंने इतनी सारी बातें बताई कि बॉडी के अंदर जाएगा तो तरह तरह के टॉक्सिन को निकाल के बाहर करेगा, तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें भी होगी सब में, ठीक है। या तो वो आपसे अपनी प्रॉब्लम जारी कर देगा, मेरे को डायबिटीज है मैं खा सकता हूँ क्या, नहीं भी करेगा तो एक चाहत तो उसमें पैदा होगी कैसे खाएंगे कैसे, ये तो पूछेगा ही कम से कम। या तो ये पूछेगा कि मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है ये मेरे को फायदा करेगा क्या, या ये बोलेगा कि मेरे को डायबिटीज है, या ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है चलो डिटॉक्सिफायर है शरीर में जाके तरह तरह से दूसरे तत्वों को बाहर निकाल के हमारे ऑर्गन को सही रहने में हेल्प करता है, खाएंगे कैसे जीने में हेल्प करता है, तो खाएंगे कैसे। जैसे ही वो ये बात करे खाएंगे ना यार सर ये मेरे पास इस कंपनी ने इसको दो कैप्सूलों में खाने लायक बना दिया, क्योंकि इसे ऐसे खाना आसान नहीं है, ड्राई हो जाता है और इतना सख्त हो जाता है, इसे ऐसे नहीं खा सकते, इसको कंपनी ने ये दो कैप्सूल बना दिए, ये अंदर जाके बैलेंसिंग करेगा और ये अंदर जाके टॉक्सिन को निकालेगा, आप स्वस्थ होने धीरे धीरे लोग। या फिर चाय बताओ, कॉफी बताओ, कुछ भी बताओ, ये जो मैंने बाहर कैप्सूल निकाल के दिखाए या चाय निकाल के दिखाई या कॉफी निकाल के दिखाई, वो हो गया एक्शन। तो किसी को ये एक तरीके से कन्वेंस करने का मेथड हो गया, AIDA ये सेकंड इनका मेथड हो गया, ये पहले बताया था EAR और एक इनका सेकंड मेथड था AIDA है ना, IDA टेक्निक तीन की एक और एक थी वो EAR। तो एक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए जब ही हम एक्शन ले पाएंगे, चाहे चाय हो चाहे कॉफ़ी हो चाहे गैनोडर्मा के कैप्सूल हो चाहे स्ट्रोना, कोई भी एक ऐसी चीज़ हमारे पास होना चाहिए, तो इस तरीके से हम उनकी अटेंशन ले सकते हैं, इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर चाहत ला सकते हैं और अपना एक्शन कर सकते हैं। भाई साहब एट ए टाइम भी प्रोडक्ट निकल जाते हैं और हमने ऐसे कर करके प्रोडक्ट निकाले हैं एट ए टाइम, अपनी बाइक में अपनी कार में प्रोडक्ट रखते हैं, मेरे इंसान से बात चली, क्योंकि आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए। इसमें मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, मैं अभी इस इतवार को अपनी बिटिया की शादी के